नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी डॉक्टर धर्मेंद्र को जान से मारने की धमकी मिली है। कहा जा रहा है कि पीड़ित धर्मेंद्र तेज प्रताप यादव के केस का गवाह भी है। वहीं इस घटना के बाद से तेज प्रताप बौखला गए। तेज प्रताप ने इस घटना के पीछे अपने ससुराल वालों का हाथ बताया है। तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि वो हमें जान से मारने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। दरअसल तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के तलाक वाले में आज कोर्ट में तारीख थी। तेज प्रताप का कहना है कि उनके वकील और केस को देख रहे डॉक्टर धर्मेंद्र कोर्ट गए थे, उसी दौरान उन्हें चंद्रिका राय के लोगों ने घेर लिया। घेरने के बाद पिस्टल निकाल कर सटा दिया, फिर साफ लफ्जों में धमकी दी कि गवाही देने आए हो तो जान से मार देंगे, गवाही से बाहर हो जाओ नहीं तो हत्या हो जाएगी। इस घटना के बाद धर्मेंद्र ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पटना के पीरबहोर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। बता दें कि शादी के कुछ ही महीने बाद तेज प्रताप यादव ने 3 नवंबर 2018 को पटना की एक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की थी। माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रताप जी का सुनवाई था। सुनवाई खत्म होने के बाद जैसे ही मैं कोर्ट परिसर से बाहर निकला तो निजी मोटरसाइकिल स्टैंड है वहाँ पे खड़ा होकर अपने मित्रों के साथ बातचीत कर रहा था। तभी एक व्यक्ति आया और वो बंदूक कमर में सटाकर बोला कि तेज प्रताप का जो केस चल रहा है उसमें तुमको साथ देने का ज़रूरत नहीं है, फिर तो तुमको गोली मार देंगे और अगर गवाही देने आओगे तो बम से उड़ा दिए जाओगे। तेज प्रताप का जो भी साथ देगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और जिसमें कि एक आदमी पिस्टल लिए हुए था आपने पिस्टल, और पिस्टल लेकर के कमर में उनको बोला कि तुम केस वापस ले लो और जो तेज प्रताप के साथ रहेगा उसको बम गोली से उड़ा देंगे। तो ये पूरे तरीके से ये हताश हो चुके हैं, पूरी तरीके से परेशान हैं और हर एक चीज़ों में ये लोग हार रहे हैं। कौन आखिर कौन है ये लोग जिनसे हमारी लड़ाई चल रही है? चंद्रिका राय। और कौन होंगे, और कौन हो सकता है? और वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने फ़ोन करके धमकी दिया। अगर हम फ़ोन करके धमकी दिए हैं तो वो हमारा एविडेंस निकाले, वो रिकॉर्डिंग निकाले, थाना में दें, थाना उस पर कार्रवाई करेगा, हमारा नंबर है। तो इस तरीके का हथकंडा ये लोग अपना लिए हैं, एकदम निचला हरकत पे ये लोग उतर गए हैं, निचता पे एकदम आ गए हैं। तो ये हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इन लोगों के ऊपर और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त